नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ रीनू यादव। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से लगातार अब जो अन्य राज्य सरकारें हैं वो एक्टिव नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जहां पर हमने देखा है कि जब जांच की जा रही है कोचिंग सेंटर्स पर जाकर तो वहां पर कई अनियमितताएं पाई गई हैं। फायर सेफ्टी के इंतजाम न होना, बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित होना, इमरजेंसी एग्जिट का ना होना, बहुत पतला रास्ता नीचे जाना, और दूसरी बात कि वहां पर किसी भी तरीके के सुरक्षा के जो मानक होने चाहिए वो पूरे पुख्ता नहीं है। अब बार बार सवाल ये उठता है, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो में भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ में, कि जब अधिकारी पहुंच रहे हैं जांच करने के लिए तो ज्यादातर जो लाइब्रेरी हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं वो बेसमेंट में ही संचालित हो रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे कोचिंग सेंटर नहीं है, ये बहुत बड़े नामी गिरामी, जिनके बड़े बड़े नाम हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं नाम पर भरोसा करते हुए कि उनका भविष्य वहाँ पर ज़रूर संवर जाएगा, जहाँ जिन कोचिंग सेंटर्स ने कई बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारियों को वहाँ पर शिक्षा दी है और लोग पढ़कर निकले हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में वो पहुँचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में एक बड़ा खेल चल रहा है जो कि अब सामने आ रहा है, वो क्या है वो भी आपको बता दें। जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। और आपने बार बार ये खबरों में सुना होगा कि कोचिंग सेंटर बेसमेंट में था, वहां पानी भर गया, कोचिंग सेंटर जो लाइब्रेरी थी वो बेसमेंट में थी, वहां पर ये दिक्कत आ गई, वहां पर जैसे आगजनी की कोई घटना हो गई या लोग निकल नहीं पाए या फंस गए या कई ऐसी खबरें। बेसमेंट क्यों चुना जाता है? बेसमेंट इसलिए चुना जाता है क्योंकि अब तो खैर ये एक तरीके से बिजनेस बन चुका है। शिक्षा तो ठीक है, दी ही जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बिजनेस के तरीके पे भी देखा जाता है, क्योंकि बेसमेंट एक ऐसी जगह होती है जिसे किराए पर लेना या किराए पर देना बहुत आसान होता है। अगर आप मेन मार्केट में किराए पर कोई भी बिल्डिंग लेते हैं, कोई हॉल लेते हैं या रूम लेते हैं, तो आपको उसका अच्छा खासा किराया भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बेसमेंट में कोई जगह है, अगर आप वो हॉल बेसमेंट में है उसे लेते हैं किराए पर, तो आपको बहुत कम, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की अपेक्षा बेसमेंट की जो जगह होगी वो कम किराए में आपको मिल जाएगी। और यही कारण है कि इंदौर की जो हमने रिपोर्ट दिखाई है और जो हमने भोपाल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई है, उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि बेसमेंट में जितने भी कोचिंग संचालक अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं वो बहुत ही कम राशि में, बहुत ही कम, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से कहीं ज़्यादा कम, आधी कीमत पर बेसमेंट में कोचिंग संचालित करते हैं, आधी कीमत उनकी चुकानी पड़ती है। मान लीजिए कि अगर ग्राउंड फ्लोर का जो किराया है वो अगर 20,000 है तो बेसमेंट का किराया 10,000 पे ही आपको वो हॉल मिल जाएगा। और यही कारण है कि ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर हैं वो बेसमेंट में ही संचालित होते हैं, ज़्यादातर जो लाइब्रेरी बनाई जाती है वो बेसमेंट में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक कह सकते हैं बिजनेस ही है ये। कम किराए पे बेसमेंट तो लिया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स से मोटी रकम वसूली जा रही है वो भी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाते हैं उनको घंटों के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी भी हैं जो आपके घंटे के हिसाब से वसूल करती है। आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो जो कीमत है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं उस लाइब्रेरी में जाके, तो आपको उस उतना ही ज़्यादा वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, और बिजनेस के साथ साथ ये बच्चों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। शिक्षा का मंदिर जहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जा रही है, स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जा रही है, क्या उस प्रबंधन को इतना नॉलेज नहीं होगा कि बेसमेंट में जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए लाया जा रहा है वो कितना प्राण घातक साबित हो सकता है? सब कुछ पता है, लेकिन अच्छा पैसा कमाने के चक्कर में, किराया कम देने के चक्कर में हमेशा ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं या लाइब्रेरीज हैं वो बेसमेंट में ही संचालित होती है। इसलिए अगर आप कोचिंग सेंटर में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, कहीं पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले पुख्ता करिए, क्लियर करिए कि अगर बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर है तो आप कोशिश करें कि आप वहां पर शिक्षा लेने ना जाएं, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
अगर आप जा रहे हैं कहीं भी पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों को आप भेज रहे हैं, तो एक बार वहां पर जाकर जो सारे नियम होते हैं, जो मानक तय किए गए हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं, ये जरूर आप क्लियर कर लें। उसके बाद ही अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि अब कोचिंग संचालक मोटा पैसा कमाने के लिए कम कीमत पर किराए से बेसमेंट पे जगह ले लेते हैं, और उसके बाद बच्चों की जान के साथ इतना बड़ा ये जो खेल हो चुका है, ये जो इतना बड़ा हादसा हो चुका है, ये ना होने पाए। इसलिए आपको खुद सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, बच के रहिए, और थोड़ा खुद अपने बच्चों को भेजने के पहले उस कोचिंग सेंटर पर जाकर आप देख लीजिए, जायजा ले लीजिए। अगर आपको लगे कि वो सारी चीजें बेहतर हैं, आप अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं, तभी आप भेजिए, वरना आप दूसरा कोचिंग सेंटर भी देख सकते हैं। नाम पर मत जाइए, वहां का काम देखिए, वहां की जगह देखिए, क्योंकि आपके बच्चे के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।